यहाँ पे बहुत होने चाहिए कश्मीर में, बिकॉज यहाँ पे इसकी वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट उनको, जो नए बडिंग आर्टिस्ट है कश्मीर के, उनको एक बूस्ट मिलता है कि यू नो वी कैन ऑल्सो डू समथिंग. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे एक मिक्सचर है सारे आर्टिस्ट का, हर एक टाइप का. देखिए, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है हमारे पास और उनका टैलेंट आज देखने के लिए हम यहाँ आए. कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है, ये सबको यहाँ मैं दावत देता हूँ कि यहाँ आना चाहिए. इन आर्टिस्ट को सहार जो है, इनको जो है इनक्रेज करना चाहिए. और सबसे बड़ी बात है, ये सब शौकिया आर्टिस्ट हैं, ये अपना कोई कमर्शियली इसमें नहीं इन्वॉल्व है, ये अपनी पेंटिंग्स बेचने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जो उन्होंने आर्ट जो कंसेप्चुलाइज किया है उसको ये यहाँ लोगों के सामने पेश करने के लिए आए. और हमको इसको जो है इनकी इस एफर्ट को सराहना भी चाहिए और इनको इनक्रेज भी करना चाहिए. नासिर साहब, अभी जो है कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे पहला जो असेंबली, जो यहाँ पे पहला ये सेशन होगा, तो लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है और कई प्रोटेस्ट भी हुए कि दरबार वो होना चाहिए, उसके बारे में बता दें. देखिए, लोगों की उम्मीदें जायज़ हैं, लोगों ने अपनी उम्मीद से सरकार चुनी है. 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए हैं और 5 साल के बाद अवामी सरकार बनी है. लोगों की उम्मीदें इसके साथ वाबस्ता है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों की उम्मीदों पे जो है खरा उतरे. उन्होंने जो हमसे जो है उम्मीद रखी है वो सब काम हम कर सकें. इसमें थोड़ा सा सब्र भी रखने की ज़रूरत है. अभी 16 तारीख को तो सरकार ने ओथ ली है, 8 दिन मुश्किल से कल हुए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इन सब में. और हम वादाबंद हैं, जो हमने लोगों से वादे किए हैं वो हम ज़रूर पूरा करेंगे. रही सवाल जो खाम खा के प्रोटेस्ट लोग करते हैं, अपोजिशन से भी मेरी गुजारिश होगी कि उनको भी थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा. और जहाँ तक कल के प्रोटेस्ट की बात रही, वो तो ऑर्डर 2 दिन पहले उमर साहब ने जो है इशू किया था, तो कल के प्रोटेस्ट की तो कोई मुझे लगता कोई जवाबियत नहीं थी. जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली के दौरे पे थे, प्राइम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई है. और जो मेमोरेंडम पास किया गया पहले कैबिनेट में स्टेट हुड को लेकर, क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ एश्योरेंस दी गई है? देखिए, लाजमी बात है कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर मुल्क के वज़ीर आज़म और मुल्क के बाकी वज़रा जो हैं, वज़ीर दाखला हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, बाकी मिनिस्टर से ज़रूर मिले ताकि इस रियासत के जो मसले हैं उनको हल कर सकें. और खुशी की बात यह है कि सब ने प्राइम मिनिस्टर से लेके मिनिस्टर साहबान ने पूरा एश्योर किया है कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि लोगों के मसले हल हो सकें. हमें पूरी उम्मीद है कि स्टेटहुड जल्दी रिस्टोर होगा. स्टेटहुड यहाँ के लिए एक लाजमी चीज़ है. इस स्टेट के हालात डिफरेंट हैं, जैसे आपने देखा पिछले दिनों थोड़े एक दो इंसिडेंट भी हुए जो बड़े दिलदोज इंसिडेंट थे जिसमें काफ़ी जाने जाएँ हुई. यहाँ ड्यूअल कंट्रोल से जम्मू कश्मीर चल नहीं सकता कि सिक्योरिटी ग्रेड LG साहब के पास हो और बाकी निज़ाम चीफ मिनिस्टर चलाएं. हमें यहाँ उमर साहब की एक्सपीरियंस एंड यहाँ पर हमारा पहली बार मेरा यहाँ पर सिटी मॉल में एग्जीबिशन हो रहा है और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके. यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, बहुत सारे अमेजिंग आर्टिस्ट साथ हमारे को यहाँ पर इंटरेक्शन हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला. सो मैं, जबकि मैं कैलीग्राफी करती हूँ, बट यहाँ पर मैंने जैसे नया एक जॉनरा मैंने ट्राई किया है, विच इज़ पेंटिंग, विच इज़ 3D पेंटिंग मैंने ट्राई की है एंड मोस्टली मेरी कैलीग्राफीज है. सो
ऐसे इवेंट्स यहाँ पे बहुत होने चाहिए कश्मीर में, बिकॉज यहाँ पे इसकी वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट उनको, जो नए बडिंग आर्टिस्ट है कश्मीर के, उनको एक बूस्ट मिलता है कि यू नो वी कैन ऑल्सो डू समथिंग. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे एक मिक्सचर है सारे आर्टिस्ट का, हर एक टाइप का आर्टिस्ट है यहाँ पे. तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स और होने चाहिए एंड वी शुड सपोर्ट सच आर्टिस्ट. बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हमको ऐसे प्लेटफॉर्म जब आते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है कि हम अपने आर्ट को डिस्प्ले कर सकें, लोगों को दिखा सकें कि हम क्या बना रहे हैं, उनके ओपिनियन ले सकें, वो क्या इसके बारे में सोचते हैं. तो बहुत अच्छा लगता है जब अप्रिशिएट करते हैं लोग हमारे आर्ट को, जब उनको भी लगता है कि जैसे छोटे छोटे जब बच्चे आते हैं तो उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है कि वो भी ये कर सकते हैं. ऐसे तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, एग्जीबिशन होने चाहिए, ताकि जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं वो अपने आप को एडवर्टाइज कर सकें, वो अपने आप को दिखा सकें, अपने वर्क को दिखा सकें. तो ये बहुत अच्छा रहेगा. पेंटिंग फील्ड है क्या, कोई आर्टिस्ट इसको अपना जो बनाने का जरिया है बना सकता है? हाँ, मतलब अभी इंडिया में तो कम है, लेकिन बाहर आउटसाइड ऑफ इंडिया काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिनका फुल टाइम ही यही कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं. इस पे डिपेंड करता है कि लोग कैसे हैं, जो कस्टमर हैं या फिर जो लोग हैं आम, वो कैसे इसको लेते हैं आर्ट को. अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी लोगों को, पर इसकी मतलब स्टडी करेंगे आर्ट लोग, तो उसको पता लगेगा इसकी क्या वैल्यू है. तो वो फेक फोटोज़ वगैरह अपने घर में लगाने की जगह रियल पेंटिंग्स लगाएंगे, तो उससे ही पता चलेगा वो कितने. इस तरह के एग्जीबिशन से कितना फ़ायदा मिलता है आर्टिस्ट को? बहुत ज़्यादा फायदा, मतलब एक आर्टिस्ट अगर साल दो साल लगा के कोई काम करता है तो वो एक दिन आगे डिस्प्ले करता है कि मैंने दो साल की मेरी ये मेहनत है सब देखी है. तो ये उसके लिए बहुत बड़ा दिन होता है, और वो उसके लिए मतलब आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई उसको कितना अप्रिशिएट करता है. तो बस उसी का बहुत ऑर्डर इन्फॉर्मेशन दीजिए जी. इंजीनियर वो एक्चुअल सीट अच्छा.